मूवी के स्टार्टिंग में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम था एलेक्स, और हमें पता चलता है कि ये तीनों भी चोर थे, जो कि नॉर्मली लोगों के घर में जाके उनकी कीमती चीज़ें चोरी करते थे। और ये काम ये लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी आज तक पकड़ा नहीं गया। खैर, मूवी में वापस आते हम देखते कि जो सामान ये लोग ने लास्ट टाइम चोरी किया था, उसे बेचने पर ये लोगों को बहुत ही कम प्राइस मिलते हैं, जिसके वजह से वो तीनों भी अब थोड़ा सीरियस हो गए थे और मिलके डिसाइड करने लगते कि अगला घर कौन सा होगा जिसमें से वो लोग को काफ़ी सारा मुनाफा हो। तभी वहाँ पे उनमें से एक मेंबर कहता है कि मुझे एक ऐसा घर पता है जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर काफ़ी महंगी चीज़ें हो सकती है, और सबसे अच्छी बात वो घर का ये है कि वहाँ पर कोई रहता नहीं सिवाय एक को छोड़ के, जो कि एक बुरा इंसान है। तो वो बताता है ये लोगों को कि वहाँ पे चोरी करना बहुत ही आसान है और ये हमारी इस लाइफ का सबसे बेस्ट चोरी होगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग कितनी बड़ी गलती करने वाले थे वहाँ पे जाके, ये सब हमें बहुत ही जल्दी पता चलेगा। खैर, हम देखते कि वो तीनों भी मिलके डिसाइड करते कि अगला चोरी इसी घर में होगा। इसके आगे हम देखते कि अगले सीन में कि वो तीनों भी पहुँच जाते अपना उसी लोकेशन में, और सबसे पहले वो लोग उस घर के बारे में थोड़ा एनालाइज करते हैं। वो लोग को पता चलता है कि जो इंसान एक्चुअली यहाँ पे रहता है वो ब्लाइंड है। वो पहले मिलिट्री में काम करता था, लेकिन एक इंसिडेंट में उसकी आंखें चली गई, और जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी एक अंधे की तरह जी रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक रॉट व्हीलर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था, और वो लोग इसे देख के समझ जाते कि इस घर में चोरी करने से पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखते कि काफ़ी टाइम एनालाइज करने के बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट रात में, जहाँ पे हम एलेक्स और उसकी टीम को देखते हैं जो कि उसी घर में चोरी करने के लिए आ गए थे, और वो लोग सबसे पहले उसी कुत्ते को बेहोश करते जो कि उनको मिला था सुबह, ताकि वो चला चला के किसी को भी अलर्ट ना करे। हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड एक की मेकर थे, मतलब कि उन्हें कौन से भी दरवाजे का चाबी बनाने आता था, और ये स्किल हम देखते कि एलेक्स के अंदर भी था। हम देखते कि वो तीनों भी सबसे पहले वहाँ के अलार्म को बंद करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते कि एलेक्स वहाँ का फर्स्ट लॉक खोलने में तो सक्सेसफुल हो गया था, और फिर वहाँ पे वो लोग ये देख के शौक हो जाते कि वहाँ पर एक लॉक लगा नहीं था, बल्कि वहाँ पे मल्टीपल एडवांस लॉक लगे हुए थे, और जिसे एलेक्स देख के शौक हो जाते हैं क्योंकि उसको नहीं पता था कि एडवांस लॉक का की कैसे बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि वो तीनों भी सोच में पड़ जाते कि आखिर वो घर के अंदर घुसे कैसे। तभी वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था रॉकी। वहाँ पे दो कांच की खिड़कियाँ थी जिसकी मदद से रॉकी अंदर घुस सकती थी, तो हम देखते कि ठीक है वो वैसे ही करती है, वो चुपके से वही खिड़की के कांच को तोड़ के अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्स के दोस्त को जो कि घर के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुस चुका था। वो सबसे पहले वो ओल्ड मैन को बेहोश करने के लिए वहाँ पे बनाने लगता है एयर गैस, और वो गैस को बनाने के बाद हम देखते कि वो जैसे ही वो ओल्ड मैन के कमरे में जाते हैं तो अचानक से हम देखते कि वो ओल्ड मैन उठ जाता है। ये देखने के बाद उसका दोस्त एक मिनट के लिए डर जाता है कि वो देख लिया मुझे, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो ओल्ड मैन तो ब्लाइंड है तो वो कैसे देख सकता है उसे। तो वो बिल्कुल अपने पैरों से आवाज़ करता नहीं और चुपचाप एक ही जगह खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि वो ओल्ड मैन टीवी को बंद करने के लिए वहाँ पे उठा था, और टीवी को बंद करने के बाद वो वापस से सो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते कि एलेक्स का दोस्त अपना काम जो करने आया था वो कर लेते हैं, मतलब कि वहाँ पर वही एयर गैस को डाल के उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं, और जिसके वजह से वो ओल्ड मैन बेहोश हो जाएगा और उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा चोरी करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्स को जो कि गोली की आवाज़ सुन के तुरंत यहाँ पे आते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर आ रहा था तभी अचानक से उसके सामने वही बूढ़ा इंसान आ जाता है। हम देखते कि एलेक्स बहुत ही बुरी तरीके से बचते हैं वहाँ पे। वो बूढ़ा इंसान जैसे उससे टकराने वाला था वो तुरंत साइड हो जाता है, और नसीब से हम देखते कि एलेक्स वहाँ पे बच जाते हैं। इसके बाद हम देखते कि एलेक्स के फ़ोन में तभी एक मैसेज आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि रॉकी का था। वो एलेक्स को पूरी कहानी बता देती है कि मेरे सामने वो बूढ़े इंसान ने हमारे दोस्त को मार दिया, अब वो बाकी मेंबरों को ढूंढ रहा है हाथ में गन लेके, तो प्लीज बच के रहना उससे। और जिसके रिप्लाई में एलेक्स उससे पूछते है कि तुम कहाँ पर हो अभी, तो वो बताते कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा क्लोसेट है और जिसके सामने एक एडवांस लॉकर भी है। तभी इसी बीच हम देखते कि उसी रूम में वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो उसी लॉकर को खोलता है,
वो बूढ़ा इंसान यहाँ पे आया था वो लॉकर में रखे हुए पैसे को चेक करने के लिए। वो अपने हाथ से पैसे को चेक करते हैं और चेक करने के बाद वही लॉकर वापस से लगा देते हैं। और ये सब हम देखते कि वहाँ पे छुपी हुई रॉकी देख लेती है, तो वो तुरंत वही पासवर्ड को याद कर लेती है। इसके बाद हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान पैसे को चेक करने के बाद वापस से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते रॉकी को जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डर चुकी थी। तभी अचानक से हम देखते कि वहाँ पर सही समय पे एलेक्स आ जाते हैं और वो देखते कि वहाँ पे रॉकी भी छुपी हुई थी। एलेक्स को वहाँ पे देख के रॉकी को फाइनली सुकून मिलता है, जिसके बाद वो एलेक्स को बताती है कि वो बूढ़ा इंसान बहुत ही डेंजर है, उसने हमारे दोस्त को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, अब वो हमें भी मार सकते हैं, हमें कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा ये लॉकर को चोरी करके। जिसके रिप्लाई में एलेक्स कहता है कि हमें सिक्योरिटी कोड चाहिए वो लॉक को खोलने के लिए। तो रॉकी उसे बताती है कि मुझे अच्छे से पता है कि वो बूढ़े इंसान ने कौन सा कोड को सेट किया है। वो तुरंत एलेक्स के सामने वही लॉकर को खोलती है और उसे खोलने के बाद वो कोड को फाइनली डाल के उसे ओपन कर लेती है। लेकिन वो लॉकर खोलने के बाद वो लोग को 3 लाख के बदले वहाँ पर बस 1 लाख ही मिलते हैं। और जैसे देखने के बाद हम देखते हैं कि रॉकी और एलेक्स दोनों भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो लोग का कहना था कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपनी जान बचाना है, तो वो तुरंत वो सभी पैसे जितने भी वहाँ पे रखे हुए थे वो सभी को ले लेते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे तभी एंड मोमेंट में हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान वापस से वो लोग के सामने आ चुका था। और यहाँ पर हम देखते कि एलेक्स और उसकी दोस्त रॉकी दोनों भी अपने सांस को रोक के बिना कुछ आवाज़ के चुपचाप एक जगह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने एक ने गलती कर दिया तो वो दोनों की जान खतरे में आ सकती थी। दूसरी तरफ हम नोटिस कर पा रहे थे कि वो बूढ़ा इंसान बहुत ही स्मार्ट था। अब वो बूढ़ा इंसान जानबूझ के ये लोग के सामने गन को शूट करने की एक्टिंग कर रहा था बार बार, क्योंकि अगर कोई उसके सामने होगा तो वो डर के मारे चिल्ला ही देगा। लेकिन हम देखते कि एलेक्स और रॉकी दोनों भी हिम्मत से काम लेते हैं, वो जरा से भी वहाँ से तस से मस नहीं होते। और काफ़ी टाइम वहाँ पे एनालाइज करने के बाद वो बूढ़ा इंसान को किसी की भी सांस की आवाज़ आती नहीं, तो उसे लगता कि वहाँ पे कोई नहीं उसके अलावा। और जिसके बाद हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान एलेक्स के दोस्त की डेड बॉडी को छुपाने के लिए यहाँ पर आया था। और यह सब देखने के बाद वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से अपने इमोशनल को कंट्रोल करते हैं। और फिर हम देखते कि उसके आगे जैसे वो बूढ़ा इंसान उसके दोस्त की डेड बॉडी को अंदर लाते हैं, तो वो दोनों मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाते हैं बेसमेंट की ओर। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसमेंट में आने के बाद वो दोनों वापस से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इंसान को वो बूढ़े इंसान ने पकड़ के रखा था और ये लड़की को उसने बहुत ही बुरी तरीके से लटका के उसके मुँह में टेप लगा के उसे पकड़ के रखा था। यह सब देखने के बाद रॉकी तुरंत उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आती है। जैसे ही रॉकी उसके पास आती है तभी वो लड़की उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देती है और वो न्यूज़पेपर के छोटे से टुकड़े से रॉकी को पता चलता है कि एक्चुअली ये लड़की है कौन। रॉकी को पता चलता है कि वो बूढ़े इंसान की एक डॉटर थी जो कि कुछ ही सालों पहले एक कार इंसिडेंट में मर चुकी थी, लेकिन जो गाड़ी की वजह से उसकी बेटी मतलब कि उसकी डॉटर का मौत हुआ था, अब वो गाड़ी की ओनर और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे वो बूढ़े इंसान ने इतने सालों से बंद करके रखा था यहाँ पे। वो बूढ़े इंसान ने इसे इतने सालों से पकड़ के रखा था ताकि अंत में इसको बहुत ही बुरी तरीके से मौत दे। लेकिन जैसे कि वहाँ पे रॉकी और एलेक्स आ चुके थे तो वो तुरंत वो लड़की को आज़ाद करते वहाँ से। ये लोग जैसे यहाँ से निकलने वाले थे तभी अचानक से हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान बहुत ही गलत समय पर वहाँ पर आ जाते हैं। और इस बार हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान आते ही डायरेक्ट हवे में फायरिंग करना चालू कर देता है। और इसी बीच हम देखते कि जो लड़की इतने सालों से यहाँ पे बनती वो लड़की को गलती से गोली लग जाते हैं और वो लड़की की आवाज़ें सुन के वो बूढ़ा इंसान तुरंत उसके डेड बॉडी के पास भाग के आते हैं। यहाँ पर हम वो बूढ़े इंसान के बिहेवियर को देख के 2 मिनट के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा इंसान उसकी मौत से अफसोस मना रहा था। तो यहाँ पे हम व्यूअर्स को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वो बूढ़ा इंसान किस चीज़ के लिए दुखी था, वो उस लड़की को छोड़ने वाला था या फिर उसको और भी बहुत ही बुरी तरीके से मानने वाला था। खैर मूवी में वापस आते हम देखते कि एलेक्स और उसकी दोस्त रॉकी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते, मतलब कि वो बूढ़ा इंसान जानबूझ के घर के सभी बिजली को बंद कर देते हैं ताकि उनमें से कोई भी बच के वहाँ से भाग ना पाए। लाइट ऑफ हो जाने के बाद हम देखते कि वो बूढ़े इंसान को ज़्यादा कुछ तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जैसे कि वो एक ब्लाइंड था और उसका घर का हर एक कोना उसको अच्छे से पता था,
तो वो अंधेरे में वो दोनों को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉकी और एलेक्स को, जो कि एक दूसरे को ढूंढने में लगे हुए थे। वो दोनों भी खो गए थे एक दूसरे से, और इस समय वहाँ से निकलना ये लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं रॉकी को, जो कि एलेक्स को ढूंढने में लगी हुई थी, और तभी हम देखते कि अचानक से वो बूढ़ा इंसान उसके सामने आ जाता है, जिसे वो गलती से एलेक्स समझ बैठती है। वो जैसे वो बूढ़े इंसान के ऊपर हाथ रखने वाली थी, तभी एंड मोमेंट में हम देखते कि एलेक्स तुरंत उसे आवाज़ दे के अलर्ट कर देता है। लेकिन ये आवाज़ सुनने के बाद हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान एलेक्स के ऊपर शूट करना चालू कर देता है, जिसके बाद हम देखते कि वहाँ पर रॉकी और एलेक्स दोनों भी मरते मरते बचते हैं, मतलब कि एलेक्स को एक भी गोली लगता नहीं। लेकिन हम देखते कि मुसीबत यहाँ पे टली नहीं थी। वो दोनों जैसे ऊपर वाले फ्लोर में आते, तभी अचानक से हम वही रॉट व्हीलर को देखते हैं जिसे ये लोग ने बेहोश किया था। वो दोनों तुरंत उसे देख के अपनी जान बचाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में वापस से भागते हैं, और इसी बीच हम देखते कि वहाँ पे रॉकी को एक छोटा सा जगह मिलता है जिसके थ्रू ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते कि वो कुत्ता और बूढ़ा इंसान ये दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, तो रॉकी को बचाने के लिए एलेक्स वो कुत्ते के सामने आ जाता है, जिसके वजह से हम देखते कि एलेक्स का बैलेंस बिगड़ता है और वो डायरेक्ट खिड़की से नीचे वाले कांच में गिर जाते हैं। और ये आवाज़ हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान सुन लेता है। वो तुरंत ये सुन के ऊपर वाले कांच में शूट करना चालू कर देता है, जिसके ऊपर एलेक्स गिरा था अभी। और फिर उसके बाद हम देखते कि जिस कांच में एलेक्स गिरा था वो वापस से टूट जाता है गोली की वजह से, और एलेक्स वो बूढ़े इंसान के सामने आके गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही हम देखते कि एलेक्स वापस से उठता है और वो बूढ़े इंसान के शूटिंग से पहले वहाँ से बच के छुप जाते हैं। लेकिन फाइनली हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान बहुत ही स्मार्ट था। वो जैसे तैसे एलेक्स को पकड़ ही लेते हैं, और उसे पकड़ने के बाद हम देखते कि फाइनली इतना बचने के बाद एलेक्स की भी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते रॉकी को, जो कि वही चेंबर से बाहर निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो वहाँ पे वही कुत्ते को देखती है जो कि उसी चेंबर में उसके पीछे करने के लिए आ गया था। वो कुत्ता बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था, और वो कुत्ते के डर में हम देखते कि रॉकी को फाइनली वो चेंबर से बाहर निकलना पड़ता है। और बाहर निकलने के बाद हम देखते कि फाइनली रॉकी भी पकड़ी जाती है वो बूढ़े इंसान के हाथ, जिसके बाद हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान रॉकी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद हम देखते कि रॉकी वहाँ पर ही बेहोश जाती है। फिर इसके बाद हम देखते कि जब रॉकी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वही जगह में बंद हुआ पाती है जहाँ पे वो लड़की बंद हुई थी उससे पहले। और यहाँ पे हम वो बूढ़े इंसान को भी देखते हैं जो कि अब पूरा कहानी उसे बताता है। वो रॉकी से कहता है कि मैं अपनी बेटी को हर रोज़ मिस करता हूँ, काश उस दिन वो इंसिडेंट नहीं होता तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को वापस इस दुनिया में लाऊंगा। और यहाँ पे इसकी बातें सुन के हम समझ पा रहे थे कि वो बूढ़ा इंसान साइको हो चुका है। उसने वो लड़की को इसलिए बंद करके रखा था ताकि उससे वो अपनी बेटी को वापस इस दुनिया में लाए, उसे प्रेग्नेंट करके, और वो सेम चीज़ अब वो रॉकी के साथ करने वाला था। लेकिन तभी आता कहानी का सेकेंड ट्विस्ट, मतलब कि दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो बूढ़ा इंसान एलेक्स के ऊपर वार किया था तो एलेक्स ने अपने दिमाग को यूज़ करके उसके मरे हुए दोस्त के डेड बॉडी को अपने ऊपर रख लिया था, जिसके वजह से वो जो सीजर था वो डेड बॉडी के ऊपर लगा था, ना कि एलेक्स के ऊपर। और वो बूढ़े इंसान को लगा कि उसने एलेक्स को मार दिया। खैर, मूवी में वापस आते हम देखते कि ठीक उसी समय एलेक्स वहाँ पर पीछे से आ जाता है और वो बूढ़े इंसान के सर में ज़ोर से अटैक करता है पीछे से, जिसके वजह से हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एलेक्स तुरंत उसे बांध देता है वहाँ पे एक हथकड़ी से, जिसके बाद हम देखते कि वो रॉकी को आज़ाद करते हैं और तुरंत वहाँ से निकलता है उसे लेके। इसके बाद हम देखते कि जैसे वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे तभी वहाँ पर हम कहानी की तीसरी ट्विस्ट को देखते हैं, मतलब कि एंड मोमेंट में वो बूढ़ा इंसान आ जाता है और वो पीछे से एलेक्स को सच में शूट कर देता है। और इस बार हम देखते कि एलेक्स बहुत ही बुरी तरीके से ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते कि रॉकी वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगती है। यहाँ पर हमें एक मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसी बीच हम देखते कि वो बूढ़े इंसान का कुत्ता रॉकी के पीछे पड़ जाता है। रॉकी जैसे तैसे अपनी जान बचा के वो कुत्ते से भाग रही थी,
लेकिन जैसे कि वो उससे ज़्यादा तेज भाग नहीं सकती है तो वो रॉकी अपना दिमाग लगाती है वहाँ पे और बड़े ही चलाकी से वो कुत्ते को गाड़ी के अंदर बंद कर देती है। फिर उसके आगे हम देखते कि जैसे वो कुत्ते को वहाँ पे बंद करके भागने वाली थी तभी वापस से हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान मेन मोमेंट में आके उसे वापस से पकड़ लेता है और वो बूढ़ा इंसान उसे बहुत ही बुरी तरीके से घसीटते हुए घर के अंदर लेके जाता है। इस मोमेंट में हम देखते कि रॉकी अब धीरे धीरे अपनी उम्मीदों को खोलना चालू कर देती है। तो अभी इसी बीच हम देखते कि वहाँ पे रॉकी के सामने वही अलार्म का बटन था जिसको ये लोग ने ऑफ किया था। तो उसे देखने के बाद रॉकी के मन में एक छोटा सा आइडिया आता है। उसे अच्छे से पता था कि वो ओल्ड मैन सच में ब्लाइंड है, तो अगर मैंने सभी अलार्म को एक साथ एक्टिवेट कर दिया तो वो जो सुनने की कैपेसिटी थी उसकी वो कम हो जाएगी, वो मेरे पैर की आवाज़ को सुन नहीं पाएगा प्रॉपर और इसके वजह से मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। तो हम देखते कि रॉकी अपना पूरा का पूरा दम लगा देती है वो अलार्म को वापस से एक्टिवेट करने के लिए और फाइनली हम देखते कि रॉकी ये काम कर लेती है और सभी के सभी अलार्म को एक साथ एक्टिवेट कर देती है और जिसके बाद हम देखते कि वो बूढ़ा इंसान ठीक उसके प्लान के मुताबिक पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाता है कि वो लड़की की आवाज़ कहाँ पे गई। वो बाकी के अलार्म के साउंड के वजह से वो लड़की का फुटस्टेप सुन नहीं पा रहा था और इसी चीज़ का फायदा उठाती है रॉकी। हम देखते कि रॉकी वो बूढ़े इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से मारना चालू कर देती है। वो अपने दोनों दोस्तों का बदला जम के निकालती है और वो बूढ़े इंसान को घायल करने के बाद रॉकी तुरंत वो पैसा उठा के वहाँ से अपनी जान बचा के निकलती है और फाइनली मूवी के अंत में हम देखते कि वो तीनों में से एक ही लड़की निकलती है जो कि थी रॉकी। और अब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली रॉकी ने वो पैसे को चोरी क्यों किया था। उसकी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी जिसके वजह से वो अपनी छोटी बहन को एक अच्छी लाइफ देने के बारे में सोच रही थी और इसी वजह से उसने चोरी के रास्ते को अपनाया था। इसके बाद मूवी के एंड में हम देखते कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ थी, तभी वो वहाँ पे एक टीवी की न्यूज़ में देखती है कि जो ओल्ड मैन को उसने बेहोश किया था घायल करके वो फाइनली होश में आ गया है और वो होश में आते ही पुलिस को स्टेटमेंट देता है कि वहाँ पे दो लोग थे और दोनों को मैंने अच्छे तरीके से सबक सिखाया। यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे थे कि उसने जानबूझ के यहाँ पे रॉकी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके पीछे आखिर उसका प्लान क्या था वो सब हम इसके पार्ट टू में देखेंगे। तो अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फर्स्ट टाइम चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।